नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। ये गोदी मीडिया आपकी आवाज बनेगा, ये न्यूज चैनल्स आपकी आवाज बनेंगे। ये गोदी मीडिया, न्यूज चैनल्स और अखबार तो कैंसर है भाई। ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। एक तरफ यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया, बहुत ही रहस्यमय कारण है, क्योंकि ये किसानों की आवाज बनने गए थे, क्योंकि उन्होंने बार बार किसानों की आवाज आपके सामने रखी, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का पर्दाफाश किया। एक तरफ मनदीप पुनिया, देखिए हौसले बुलंद हैं इस पत्रकार के, मुट्ठी दिखा रहा है और उसमें उनकी प्रतिबद्धता पत्रकारिता के प्रति दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ यह है सरकार का पालतू पत्रकार अर्नब गोस्वामी। अन्वय नायक नाम के शख्स की आत्महत्या को उकसाने के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था। अन्वय नायक ने बाकायदा इस व्यक्ति का नाम लिखा था सुसाइड नोट में, मगर इसके पक्ष में पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मैदान में आ गया था और इसे आपातकाल बता रहा था। ये वो अर्नब गोस्वामी है दोस्तों, जिसका चैनल रिपब्लिक जो है, इसके संस्थापकों में से एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा सांसद राजीव चंद्रशेखर है, एनडीए से जुड़ा सांसद राजीव चंद्रशेखर है। आज मैं आपके सामने दोनों तस्वीर रखना चाहता हूं। एक तरफ मनदीप पुनिया देखिए, वो पुलिस की वैन में, और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी। आपके सामने कौन सा पत्रकार आपकी आवाज रख सकता है? वो जो डरा हुआ है, वो पत्रकार जो झूठ बोलता है पालघर लिंचिंग से लेके हर मुद्दे पर, या वो मनदीप पुनिया जो आपकी आवाज बनके स्वतंत्र तौर पर तमाम मुश्किल हालात में आपकी आवाज बन रहा है? इस तस्वीर को फिर से देखिए दोस्तों। इस आदमी ने चप्पल पहन रखी है, मनदीप पुनिया ने चप्पल पहन रखी है, और वो अर्नब गोस्वामी की तरह रुदाली नहीं कर रहा है। वो रुदाली नहीं कर रहा है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, वो जानता है कि इस पत्रकारिता करने की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये सेल्फी देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये जो पत्रकार यहां पर दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, ये नवीन जिंदल नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट, कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा रचे गए एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर 100 करोड़ की फिरौती मांगते हुए देखे गए थे। उसके बाद 15 से 20 दिन ये जेल में भी रहे थे। यही नहीं, जब ये आदमी लाइव इंडिया का संपादक था, तब उमा खुराना नाम की एक स्कूल टीचर को इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो है वेश्याओं की सरगना बता दिया था, जो कि पूरी तरह से झूठा था। उमा खुराना को एक भीड़ ने लगभग जान से मार डाला था। उसके बाद इनका जो चैनल था वो एक महीने के लिए बंद रहा था। यह साल 2007 की घटना है। जब इन पत्रकारों का ऐसा इतिहास है मोदी जी, तब आप उनके साथ सेल्फी क्यों खिंचवाते हैं? क्या ये हैं पत्रकार, आपके पसंदीदा पत्रकार, जो आपसे ये पूछते हैं कि एक फकीरी है आप में? किस तरह की फकीरी दोस्तों? मैं आपके सामने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने बयान बताने वाला हूं, जो उन्होंने आपातकाल के बारे में कहे। मैं आपके सामने अब यह बताने वाला हूं कि किस तरह से यह जो मीडिया है पूरी तरह से नाकाम है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2013 को क्या कहा। आपातकाल के दौरान अखबारों को बंद कर दिया गया था। मैं जानता हूं कि 18 महीने तक मीडिया क्या कर रहा था। अरे मोदी जी, अभी तो आपातकाल भी नहीं है। आगे आपने क्या कहा था? हमने आपातकाल का आतंक देखा जब प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी को दबा दिया गया था। यह हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपकी सरकार, अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? न सिर्फ ये, बल्कि मैंने देखा है जामिया से लेकर, जेएनयू से लेकर, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, आपके बाकायदा प्रायोजित गुंडे कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं लोगों पर हमला बोलने के लिए। अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह, कपिल मिश्रा, नंदलाल गुर्जर, आपके जो तमाम विधायक, मंत्री और सांसद हैं, वो बाकायदा प्रदर्शनकारियों को जान से मारने का आह्वान करते हैं। कोई कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, कोई यह कहता है कि पुलिस को इन्हें गोली मार देनी चाहिए, जैसे कि नंदलाल गुर्जर ने कहा।
मैं ये तो समझना चाहता हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है मोदी जी? आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? और क्या इसी लोकतंत्र में पत्रकार काम करेगा? और जो पत्रकार काम करता है उसकी हालत मंदी पुनिया जैसी हो जाती है, उसकी हालत हो जाती है सिद्धार्थ वरदराजन की तरह, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, या राजदीप सरदेसाई, या मृणाल पांडे। और आपके अपने पत्रकार क्या, जो समाज के अंदर अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं, उनका क्या? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया जाता? मैंने आपसे कहा एक एक नेता की मैं पोल खोलने वाला हूं। अब ये देखिए स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी का यह बयान है 5 जून 2011 का। यह वो दिन है दोस्तों, यह तस्वीर याद है, रामदेव जी महिलाओं के कपड़े पहन के देर रात भाग गए थे अपने समर्थकों को पीछे छोड़ के। स्मृति जी का बयान, रामदेव के समर्थकों पर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं रात के बीचों बीच, ये बता रहा है कि आपातकाल लौट गया है। बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक है दोस्तों। मैं उस वक्त आज तक में था और मैं एक स्टूडियो डिस्कशन कर रहा था, और उस डिबेट में लालू प्रसाद यादव थे जो कि UPA के एक बहुत ही ताकतवर मंत्री थे, स्मृति ईरानी थी BJP की तरफ से, राशिद अलवी थे कांग्रेस की तरफ से। मैं बार बार लालू प्रसाद यादव से पूछ रहा था कि लालू जी देर रात इस तरह से क्या पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, कई लोग मारे जा सकते थे। और मुझे याद है एक रामदेव समर्थक सरोज बहन, उनकी मौत भी हो गई थी बाद में। तो मैं उनसे बार बार सवाल किया, मगर लालू जी का एक अंदाज है, जब भी मैं उनसे सवाल करता था वो सवाल को भटका देते थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, और वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। चौथी बार दोस्तों मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इत्तेफाकन उस डिबेट में स्मृति ईरानी भी मौजूद थी जो उस वक्त विपक्ष में थी। उस डिबेट के 30 सेकेंड्स देखिए दोस्तों, मैंने लालू जी से स्टूडियो का बाहर का रास्ता बता दिया था, वो लालू जी जो UPA के एक ताकतवर मंत्री और नेता थे। सुनिए वो डिबेट का हिस्सा। लालू जी इसके बात सुनिए, लालू जी मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतों और बच्चों के होते हुए ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए बात सुन लीजिए, औरतें बच्चे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और चलिए लालू जी मेरे पास भी बात नहीं है आपके भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मगर इस डिबेट के बाद लालू प्रसाद यादव ने मेरे संपादक को फोन करके ये नहीं कहा था कि अभिसार शर्मा को नौकरी से निकालो। उन्होंने मुझे धमकाया नहीं था, मुझे कोई फोन कॉल्स नहीं आए थे, मैं बतौर पत्रकार अपना काम कर रहा था। और ये तस्वीर देखिए दोस्तों, उस वक्त भी मैं आज तक में था, और आज तक ने एक कहानी की थी कि सलमान खुर्शीद जो कानून मंत्री थे और बाद में विदेश मंत्री बन गए थे, सलमान खुर्शीद का जो एक NGO है उसमें किस तरह की अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उंगली उठा उठा के मैंने सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा था कि जब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे इस मामले की स्वतंत्र जांच कैसे हो सकती है। उंगली उठा उठा के मैंने सवाल किया था सलमान खुर्शीद से, मगर बावजूद उसके सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं उनके घर में पहुंचकर उनसे सवाल कर रहा था, सलमान खुर्शीद ने अपने कार्यकर्ताओं से अपने समर्थकों से मुझे पिटवाया नहीं, उन्होंने मेरे चैनल को फोन कॉल नहीं किया। यह बात अलग है कि हां सलमान खुर्शीद ने मुझ पर कोर्ट केस जरूर कर दिया था, मगर मैं आपको यह क्यों बतला रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की तारीख में जो BJP हमें यह ज्ञान दे रही है कि पहले आपातकाल था अब जो है लोकतंत्र है, नहीं, कम से कम कांग्रेस के टाइम पर मैं उनसे बेबाक तरीके से सवाल कर सकता था बगैर इस बात के डरे कि मुझे धमकाया जाएगा, बगैर इस बात के डरे कि मेरी नौकरी चली जाएगी, बगैर इस बात से डरे कि मेरे परिवार को भी धमकाया जा सकता है और उनकी जान जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। ये देखिए राजनाथ सिंह 2015 का बयान है, 40 साल पहले आपातकाल देश में लगा दिया गया था देश की प्रजातांत्रिक जो सोच है उसको दबाने के लिए, वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। रविशंकर प्रसाद, महान रविशंकर प्रसाद जो बात बात में इस्तीफा मांग लेते थे, इंदिरा गांधी ने
अभिव्यक्ति की आजादी को दबा दिया था, देश में आपातकाल लगा दिया था। नरेंद्र मोदी लोगों को आवाज दे रहे हैं तकनीक और सोशल मीडिया के जरिए। अरे रविशंकर जी, ये सोशल मीडिया से तो आप घबराए हुए हैं, बताइए ना, क्या ये बात सही नहीं है कि सोशल मीडिया और डिजिटल चैनल्स के लिए आपकी सरकार नया कानून लेकर आ रही है या लेकर आ गई है? क्या ये हकीकत नहीं कि आप चाहते हैं कि डिजिटल चैनल्स, मसलन न्यूज क्लिक जैसे चैनल्स भी आपकी सेवा में लग जाएं, जो कभी हो नहीं सकता? आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तकनीक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? क्यों मजाक बना रहे हैं अपना? आपके सामने मुख्यधारा का मीडिया नतमस्तक हो चुका है और वही आप चाहते हैं डिजिटल मीडिया के साथ। कम से कम जो कहते हैं माननीय रविशंकर प्रसाद, उससे पहले सोच लीजिए। इसी तरह से प्रकाश जावड़ेकर को देखिए, इन्हें तो अर्णब गोस्वामी ने उस कथित व्हाट्सएप चैट में यूजलेस बता दिया था। इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर सामने आए और अर्णब गोस्वामी को उसी की भाषा में जवाब दें। कर सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री उस पर सर्जिकल स्ट्राइक? कहां गया आपका स्वाभिमान? तो कृपया भारतीय जनता पार्टी के नेता आपातकाल जैसी चीजों की बात ना करें। सबसे दुख की बात यह है कि दोस्तों, सिर्फ न्यूज क्लिक जैसे मंच हैं जो आपकी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं, देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। और यह सरकार की लगातार कोशिश रही है ऐसे चैनल्स को, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दबाया जाए। मनदीप पुनिया पर जो कार्रवाई की गई थी वो उसी का प्रमाण है। दिक्कत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में जो मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स हैं, वो इस सरकार से कई कारणों से सवाल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, इस सरकार के इस कदर रहमोकरम है इनके संपादकों पर, एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मसलन मेरे पुराने बॉस रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के संपादक हैं, आप जानते हैं कि उन्हें DDCA का अध्यक्ष बनाया गया था। इस तस्वीर में देखिए, इसी सरकार के अंतर्गत उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आए दिन रजत शर्मा अपने कार्यक्रमों में किसान को कोसते रहते हैं, सरकार से कभी कोई सवाल नहीं करते हैं, सरकार के जो गुर्गे होते हैं उनके हिंसा पर कभी सवाल नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रजत जी आपके सवालों को, आपके मुद्दों को उठाएंगे? नहीं। ये चैनल देखिए, रिपब्लिक चैनल, राजीव चंद्रशेखर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अर्णब गोस्वामी इस सरकार का चाटुकार है। आपको क्या लगता है ये चैनल्स आपकी आवाज उठाएंगे? जी न्यूज को देखिए, इनका जो संपादक है वो पत्रकारिता का नाम तिहाड़ जेल में कितना रोशन कर चुका है आप तो जानते हैं, मगर सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से पहुंचे वो राज्यसभा। आपको लगता है ये चैनल आपकी आवाज उठाएंगे? तमाम जो बड़े अखबार हैं, उन सब अखबारों के जो संपादक हैं या उनके प्रोपराइटर्स हैं, उनको बाकायदा राज्यसभा भेजा गया है। आपको क्या लगता है ये संपादक, ये अखबार आपकी आवाज उठाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि न्यूज क्लिक जैसे मंचों को मजबूत किया जाए, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मजबूत किया जाए जो आपकी आवाज उठाते हैं, तभी इस देश में पत्रकारिता जिंदा रह पाएगी। क्योंकि अगर देश का पत्रकार आजाद है तो देश आजाद है, देश का पत्रकार फ्री है तो देश मजबूत है। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। नमस्कार।